हे फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? बढ़िया है जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक बार फिर से भाई आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे 9 खतरनाक बॉडी बिल्डर्स के बारे में भाई, जिनके फौलादी बदन की सारी दुनिया क्रेजी है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने अजीब गरीब बॉडी की वजह से चर्चा में रहे हैं। वही इनमें से किसी ने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेकर अपने बाइसेप्स बढ़ाए हैं, तो किसी ने दूसरे तरीके से अपनी बॉडी को बनाया है। और ऐसे में आज हम आपको दुनिया भर के 9 ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बॉडी किसी सामान्य बॉडी बिल्डर की तुलना में काफी अलग है और बिल्कुल हटके है। इन्होंने एक्सट्रीम एक्सरसाइज के जरिए अपनी बॉडी को बनाया है। आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया भर के मशहूर एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम हमारी वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगी घंटी को दबा दीजिए। नंबर 1, रोनी कोलमैन। दोस्तों, अमेरिकन बॉडी बिल्डर रोनी कोलमैन अपने समय के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। ये 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। अकाउंटिंग में डिग्री लेने वाले कोलमैन रिटायरमेंट से पहले कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ गए। वही बताया जाता है कि इन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए कई अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स भी लिए थे। नंबर 2, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एक पॉपुलर एक्टर और एक विवादास्पद राजनेता बनने से पहले आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक थे। वही 15 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने वजन उठाने की ट्रेनिंग शुरू की थी। वो सबसे कम उम्र में 20 साल में मिस्टर यूनिवर्स बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता था और बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। नंबर 3, लो फेरिग्नो। दोस्तों, लो फेरिग्नो टीवी शो में लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड के प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते रहे हैं। वो डिप्टी शेरिफ भी रहे हैं। ब्रुकलिन टेक्निकल हाई स्कूल से 1969 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पहला खिताब IFBB मिस्टर अमेरिका और 4 साल बाद मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। उनकी कोशिश आर्नोल्ड को पराजित करने की थी। 1970 के बाद उन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लेना बंद कर दिया और एक्टिंग में अपना करियर बनाया। नंबर 4, दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले ग्रेग वेलेंटिनो को दुनिया के बॉडी बिल्डिंग आइकन्स में गिना जाता है। ग्रे ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए और अलग अलग स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। ऐसे में उनके हाथ की मोटाई 21 इंचेस से बढ़कर 28 इंचेस हो गई। एक रिपोर्ट में उनको बॉडी बिल्डिंग का मोस्ट हेटेड मैन भी लिखा गया था। नंबर 5, जॉनी ओ जैक्सन। फ्रेंड्स, अमेरिका के न्यू जर्सी के रहने वाले जॉनी ओ जैक्सन को भले ही दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं माना जाता हो, लेकिन इनकी अपर बॉडी सबसे अलग ही और सबसे जबरदस्त है। 2006 में वो अमेरिका के मॉन्ट्रियल प्रो और 2001 में NPC US चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुके हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ने इन्हें दुनिया का सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर करार दिया हुआ है। नंबर 6, मार्क्स रूल। दोस्तों, ये पूर्व इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस से जुड़े रह चुके हैं। उन्हें सबसे बड़े कंधे वाले बॉडी बिल्डर के रूप में भी जाना जाता रहा है। रोनी कोलमैन और जॉनी ओ जैक्सन के अलावा मार्क्स को भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर में गिना जाता रहा है। नंबर 7, गैरी हिमिंग। दोस्तों, गैरी हिमिंग एक महान बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने मजबूत शरीर के जरिए कई क्षेत्रों में खिताब जीता था। IFBB प्रतियोगिता में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन गैरी ने मौत से पहले प्रतियोगिता को जारी रखा। नंबर 8, एंड्रियास मुंजे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बॉडी बिल्डर था जिसके लिए अपनी बॉडी ही सब कुछ थी। एंड्रिया ने अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए कई प्रयोग किए। इससे डॉक्टर ने उन्हें अपनी बॉडी पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से मना कर दिया। 1996 में उनके पेट में दर्द होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पाया गया कि उनकी बॉडी के कई आंतरिक हिस्सों में खून बह रहा है। इसके चलते उनकी मौत हो गई। नंबर 9, रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेस। फ्रेंड्स, ब्राजील के कल्डास नोवास में रहने वाले एक बच्चे के पिता रोमारियो सुरक्षा गार्ड हैं, लेकिन मॉडल और बॉडी बिल्डर बनने की चाह में उन्होंने अपने शरीर में तेल और शराब के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। महज 3 साल के समय में ही इन्होंने 25 इंच चौड़े बाइसेप्स बना डाले। रोमारियो को बॉडी बनाने का शौक 22 साल की उम्र में लगा। बॉडी बनाने के शौकीन रोमारियो के इस काम में उनकी पत्नी ने भी उनकी बहुत मदद की। तो ये थे दोस्तों कुछ एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स हमारी दुनिया के। आपको इनमें से किसकी बॉडी सबसे ज्यादा खतरनाक और भयंकर लगी कमेंट में जरूर बताइए। और आपको अगर आगे भी ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।